हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वैसे टाइगर 3 मूवी के ऊपर सब लोग बड़ा चढ़ाकर बोले हैं, अच्छा है, ये है, वो है। उन लोगों के बीच में हम भी हैं, हमने भी बहुत से बातें बड़ा चढ़ाकर बोले हैं अबाउट टाइगर 3 मूवी, और उसमें से बहुत से बातें सच भी है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई भी टाइगर 3 मूवी के ऊपर ऐसा नहीं बोला है कि ये मूवी आप लोगों को एक्शन के साथ, थ्रिल के साथ एक बेहतरीन म्यूजिकल एक्सपीरियंस या फिर आप लोगों के हिसाब से म्यूजिकल जॉय राइड प्रोवाइड करेगा। आई होप आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि आज हम टाइगर 3 मूवी के गानों के ऊपर बात करेंगे। तो इसके हिसाब से टाइगर 3 मूवी में कितने गाने हैं आप लोगों को बजन पता चल जाएगा। तो इसी बात पर, टाइगर 3 मूवी का पहला सॉन्ग है जिसका नाम है प्रभु का नाम, और इसका दूसरा नाम हो सकता है दिल दा परिंदा। और ये गाना ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा यानी अक्टूबर 24 को रिलीज हो रहा है ऑन यूट्यूब। ये सॉन्ग एक चार्ट बस्टर एंड अ डांस नंबर होने वाला है बिटवीन सलमान खान एंड कटरीना कैफ। दोस्तों, ऑन 24 अक्टूबर सलमान खान एंड कटरीना कैफ स्वैग के साथ प्रभु का नाम लेके स्वागत करेंगे हमारा। तो उसी प्रकार टाइगर 3 मूवी का दूसरा सॉन्ग है दुआ ही दुआ। वैसे पिछला सॉन्ग जो है जिसका नाम है प्रभु का नाम, वो एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग एंड डांस नंबर है, मगर दुआ ही दुआ सॉन्ग जो है वो एक रोमांटिक सॉन्ग है बिटवीन सलमान खान एंड कटरीना कैफ। वैसे इस सॉन्ग में सलमान खान यानी टाइगर, कटरीना कैफ यानी जोया के लिए वायलिन बजाते हुए नजर आएंगे। वैसे इन मूवियों का बैकग्राउंड स्कोर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे है प्रीतम जी जिनका सॉन्ग हमेशा ही अच्छे रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। वैसे तीसरा सॉन्ग भी है लेकिन उसका नाम हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये सॉन्ग बेहद ही इमोशनल सॉन्ग है जिसके हिसाब से दिल टूट रहा है, फिर कोई कोशिश कर रहा है काश ये दिल जुड़ जाए, लेकिन अफसोस की बात ये कभी हो नहीं सकता। वैसे दोस्तों, अभी तक हमें पता नहीं मेकर्स क्यों इस सॉन्ग का नाम रिवील नहीं कर रहे हैं। शायद ये सॉन्ग मूवी के लिए कुछ सरप्राइज साबित हो, और शायद इस सॉन्ग से इस मूवी में कोई नए कड़ी की आगाज हो, और इस मूवी के फाइनल सॉन्ग जो आप लोगों के लिए और हमारे लिए सरप्राइज साबित हुआ है वो है द केके फैक्टर एंड शाहरुख खान एक्सटेंडेड कैमियो। इसके हिसाब से हम लोगों को फिर से एक और आखिरी बार एक बेहतरीन गाने के साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा, जिसको गाए हैं एक और आखिरी बार द लेजेंडरी द सोलफुल सिंगर ऑफ दिस एरा वन एंड ओनली केके साहब, जो अब हमारे दिलों में जिंदा है। और मैं दुआ करता हूँ कि ये सॉन्ग एक बेहतरीन सॉन्ग साबित हो। वैसे इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय।